ये अभी जो हादसा हुआ है, एक बस पलटी मार देता है, दूसरा बस अभी 7-8 आदमी का जान ले लेता है, इसका भरवाई कौन देता है? कोई देगा? खाली बोलता है फूट क्लियर करो, फूट क्लियर करो। जब रोड चौड़ा हो गया है तो ये एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? अरे क्या चाहेंगे ये, पहले ये इन बस का जो ये क्या बोलते हैं ड्राइवर लोग नहीं, ये बस लोग जो जैसे चलाते हैं वो पहले ठीक करने के लिए बोलिए। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरा सूचना, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं खिजुरपुर रोड बाबू बाजार के सामने में है दो मिनी बस, जो रूट नंबर 25 123 रूट नंबर में आपस में ये लोग टकरा गई है। टकराने के बाद 4-5 लोग जख्मी भी हुए हैं। और सबसे अहम बात ये, सबसे पहले हम बस को दिखाते हैं, ये बस का नंबर है। यहाँ की पुलिस जो है इसको बस को रोक लिया, मटिया ब्रुज हावड़ा रूट नंबर 123। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल WB19E1823, देख सकते हैं इस तरीका से ये हुआ है। ये जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर जख्मी भी हो गए, इनसे भी हम बात करेंगे। और ये देख लीजिए इनके में मामला इस तरह, जख्मी है, ब्लड भी है सामने में है, इस तरीका से हम दिखाएंगे। और इस तरीका से देख सकते हैं कि रोलिंग रेलिंग तेर कर तोड़ दिया पूरा, आप देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं इस तरीका से रेलिंग जो है तोड़ दिया, लोहा का रेलिंग था ये अलग कर दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा उस तरफ चला गया, एक दूसरी मिनी बस उस तरफ लगी हुई है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ? ये सही एक तरीके से हुआ है, 123 नंबर बस है, ये डेली का नाटक है, ये डेली का नाटक है। ये अभी जो हादसा हुआ है, एक बस पलटी मार देता है, दूसरा बस अभी 7-8 आदमी का जान ले लेता है, इसका भरवाई कौन देता है? कोई देगा? खाली बोलता है फूट क्लियर करो, फूट क्लियर करो। जब रोड चौड़ा हो गया है तो ये एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका जवाब हम लोग को चाहिए, हमको इसका जवाब चाहिए। ये जो दुकानदार लोग का सामान उठा के लेके जा रहा है, सब कुछ ले जा रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग थाना का सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसीलिए नहीं होना चाहिए। ये जो अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हुआ, इसका वेरीफाई कौन करेगा? सब सारा तोड़ दिया है, इसका वेरीफाई कौन करेगा? अभी तो ये एक बस उलट जाता और दूसरी बस अभी 6-7 आदमी का जान ले लेता। एक बस को हम लोग वहाँ खड़ा रखा है अभी तक, और ड्राइवर का हाथ बदन में जख्मी हुआ है, 6-7 आदमी जख्मी हुआ है। एक ड्राइवर अपना कंडक्टर छोड़ के, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग चुका है, दूसरा ड्राइवर को हम लोग पकड़ा है, उसका बदन में कोई उंगली तक नहीं छुलाया है, हम लोग मानने नहीं दिया है, हम लोग ट्रैफिक का हैंड ओवर कर दिया। हम वो वाले, वो जो उधर बस खड़ा है ना, वो वाले बस में जा रहे थे, तो क्या हुआ, अचानक से वो बस इस वाले से टकराया और इधर जाकर धक्का मारा, तो बस का जो हैंडल है उसमें मेरा मुंह लग गया। ये पूरा मुंह इधर से, वो वाले बस में जो उधर है, हाँ दूसरा वाला, जो हम गार्डन नीचे आ रहे थे, हाँ मेरे को हावड़ा जाना था। देख सकते हैं इनके जख्मी भाई, देखिए ये पूरे खून हो चुके हैं, हमारे भाई को देखे जख्मी हो रहा, मगर यहाँ पर इनका कट भी किया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोड़खोदे। अरे क्या चाहेंगे ये, पहले ये इन बस का जो ये क्या बोलते हैं ड्राइवर लोग नहीं, ये बस लोग जो है जैसे चलाते हैं वो पहले ठीक करने के लिए बोलिए। क्या आपका आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है सर कि ये जो रूट में ऐसे तरीके से गाड़ी चलते हैं, इसके वजह से बच्चे, बुजुर्ग, महिला कितने एक्सीडेंट हुए हैं। इन लोगों को मतलब जो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, सबसे पहले कार्रवाई किया जाए, इन लोगों को ऐसा कार्रवाई किया जाए ताकि इन लोग आइंदा ऐसा करें नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, इसके वजह से ये लोग ऐसा ओवरटेक करते हैं, इस वजह से सारे पब्लिक को, आने जाने वाले को बहुत सारी परेशानी होती है, खास करके मतलब गार्डन रीच और टू धमतल्ला मतलब हावड़ा, ये जो रूट के बस है ये लोग हमेशा ऐसे करते हैं, 50-100 रुपये अपना फाइन बचाने के चक्कर में, दो पब्लिक उठाने के चक्कर में लोगों को जान को जान नहीं समझते हैं। आप जो है, आप लोगों से यही गुजारिश है कि सरकार के माध्यम से, ठीक है, ये जो मतलब अन्याय हो रहा है, इनको रोका जाए, ड्राइवर लोगों को सख्त से सख्त मतलब जो है उनको सजा मिलना चाहिए, उन तक आवाज़ पहुंचाइए, ड्राइवर इन लोगों का यूनियन को आवाज़ दीजिए, यूनियन को मतलब जो है, मगर कुछ लोग और भी लोकल लोग हैं। अरे फ्रेंड में तुम दो मेरा भाई, चलिए ठीक है, हमारे सामने में लोग हैं, भाई साहब ने बोला है अपने आंखों से, इन्होंने देखा, ये मतलब डेली का ये मामला है ना, देखिए 6 बजे स्कूल होता है बच्चा लोग का, तब भी वही ड्रामा होता है, शाम में स्कूल का छुट्टी होता है वही ड्रामा होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए। हम लोग अगर ड्राइवर के ऊपर हाथ छोड़ेगा, बोलेगा पब्लिक ड्राइवर को मार रहा है,
तो इसीलिए हम लोग बर्दाश्त खा जाते हैं जो चलो भाई वो भी गरीब आदमी है कमा खाए। तो इतना भी जुलूम नहीं करना चाहिए। जब नहीं बोलेगा तो भीड़ लगा के काहे खड़ा है। बोलिए, कहने का मेरा मतलब यह है कि 5-7-8 लोग जख्मी भी हो गए दो बस के टक्कर के दरमियान में। इस किस्म का हादसा रास्ते पे नहीं होने चाहिए, इसलिए कि ये गार्डन नीचे लेकर के हावड़ा धर्मतला तक डायरेक्ट रास्ता जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस किस्म का मामला दोबारा ना हो। ड्राइवर जो है नेकलेस ड्राइविंग ना करे, अच्छी तरीके से ड्राइविंग करे और ठीक तरीके से चलाए, लिमिट में स्पीड हो, ओवर लिमिट ना हो। दूसरी अहम बात यह है कि ड्राइवर का कागजात चेक किया जाए, पेपर चेक किया जाए, ड्राइवर क्या नशे के हालत में तो नहीं था, उसका टेस्ट किया जाए। नशे के हालत में नहीं था, ओवर इस तरीके से ओवर मतलब चल रहा था, क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। ये दोनों बस सेम रूट का है, 7-8-10 लोग जख्मी हो गए। सपोज मान लीजिए अगर ये बस उलट गया होता तो जितने भी उसमें यात्री का, जितने भी पैसेंजर थे, क्या गाड़ी फुल थी? दोनों गाड़ी फुल थी। आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग तो यहाँ से निकल भी गए। अगर हादसा उलट गया होता तो कितना बड़ा नुकसान होता, बड़ा नुकसान होता। मैं तमाम हिंदुस्तान के ड्राइवरों को, जो लोग पैसेंजर गाड़ी या टैक्सी चलाते हैं या पैसेंजर बस चलाते हैं या पब्लिक बस चलाते हैं और जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, सबको एक निर्देश देना चाहता हूं, एक आदेश भी देना चाहता हूं, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। आप लोग अपने जान के अलावा किसी भी ग्राहक या कस्टमर या पब्लिक को जान को खतरे में ना डालें। और अफसोसनाक बात यह कि ट्राम रास्ते में जब गाड़ी चलती है तो ज़्यादा उलटती है, तो ट्राम रास्ते में गाड़ी को और सही से चलाना है। तीसरी अहम बात, जब रूट बिजी रूट हो, जहाँ पर दुकान हो, घर हो, मकान हो, फ्लैट हो, जहाँ पर लोग आना जाना हो, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सामने, हाँ वहाँ मस्जिद भी है, हम देख रहे हैं सामने में, ये भी मस्जिद है, कटा हुआ था। हाँ हम इसीलिए वो रेलिंग को बंद कर दिया गया क्योंकि नमाजी लोग यहाँ से पान ना होए, जो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, इसीलिए वो रेलिंग को बंद कर दिया गया। तब भी ऐसा गाड़ी वाला लोग ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ड्राइवर को आदेश है कि वो लोग लिमिट में चलाए, ओवर लिमिट ना करे, ओवर पैसेंजर को ना उठाए, जल्दबाजी के चक्कर में किसी की जान ना ले। समझिए कि सब लोग संयम व्रत के काम करे, सब्र से काम करे और जो मेंटेन रूट है, जो आदेश दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उतना रूट को मेंटेन करे। ये बिजी रास्ता है, लोगों का आना जाना है, हमेशा लगा हुआ है। एक ही चीज़ कहते हैं कि ये ड्राइवर को जो है, ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी का नंबर भी हमने दिखलाया है, सामने में उस गाड़ी को भी हमने दिखा रहे हैं, सामने में उस गाड़ी को भी है, उस गाड़ी को भी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें, शेयर करें और अपनी बात को रखें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now